राधे फिल्म के लिए धमाके पर धमाका क्यों कर रहे हैं सलमान खान, और क्यों नहीं पूछी जाएगी निर्भया के कातिलों से उनकी आखिरी ख्वाहिश। नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, बैंडिट क्वीन, सत्या, प्रेम ग्रंथ और विरासत जैसी फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभा चुके अभिनेता गोविंद नामदेव सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म राधे में पुलिस ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं। इस बारे में नामदेव ने खुद कहा कि मैं लंबे अंतराल बाद फिल्म में पुलिस DIG का किरदार निभा रहा हूँ। इससे पहले मैंने उनके साथ वांटेड में काम किया था। सलमान खान के साथ दोबारा काम करने का अनुभव काफी शानदार है और फिल्म में हम दोनों के एक साथ कई प्रभावी दृश्य भी हैं। आपको बता दें कि राधे योर मोस्ट वांटेड भाई का फर्स्ट लुक जारी हो चुका है। इस पर फैंस के बीच ऑलरेडी विवाद भी हो चुके हैं। जी हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले ट्विटर पर राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो ट्रेंड कर रहा था। इसके पीछे वजह ढूंढी तो पता चला कि सलमान खान सबके फेवरेट हैं। जहां लड़के उन्हें भाई कहकर संबोधित करते हैं, तो वहीं कुछ लड़कियां जिनके वो फेवरेट स्टार हैं, जरूरी नहीं है कि उन्हें भाई कहना पसंद करें। इसी का नतीजा था कि सलमान खान की गर्ल फैंस ने ही ट्विटर पर राधे योर मोस्ट वांटेड हीरो ट्रेंड करवा दिया था। वेल, इस फिल्म को निर्देशित प्रभु देवा कर रहे हैं और ये फिल्म अगले साल 2020 में रिलीज होगी। फिलहाल तो सलमान खान अपनी मच अवेटेड फिल्म दबंग 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। आपको बता दें कि गोविंद नामदेव कई इंटरव्यू में बता चुके हैं कि प्राण उनके आदर्श रहे हैं। समकालीन खलनायकों में वो नाना पाटेकर से प्रभावित हैं और वर्तमान में वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बेहतरीन विलन मानते हैं। किसी कैदी को फांसी देने से पहले उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और वो पूरी भी की जाती है, ऐसा ज़्यादातर भारतीय मानते हैं। इसके पीछे कारण भी है, कई कहानियों में ऐसा ही लिखा भी गया है और बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में भी अब तक यही दिखाया गया है। लेकिन अगर हम कहें कि 2012 में निर्भया की बलात्कार के बाद हत्या करने के दोषियों से उनकी अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाएगी, तो आपको शायद हैरानी होगी। लेकिन ये सच है कि अगर उनकी फांसी का वक्त आया तो उनसे कोई अंतिम इच्छा नहीं पूछी जाएगी। अब आपको ये जानकर और भी हैरानी होगी कि सिर्फ निर्भया के कातिल ही नहीं, आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी लोगों को फांसी दी गई है, उनसे उनकी आखिरी इच्छा नहीं पूछी गई। चाहे वो बलात्कारी धनंजय चटर्जी हो या फिर इंदिरा गांधी के हत्यारे सतवंत सिंह और केहर सिंह हो, जब इन दोषियों से भी फांसी के वक्त इनकी इच्छा नहीं पूछी गई, तो फिर मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब और संसद पर हमले के आतंकी अफजल गुरु से तो उनकी आखिरी इच्छा पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें हैरान होने की बात यह है कि कानून में फांसी देते वक्त अंतिम इच्छा पूछने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जेल मैनुअल में ऐसा कुछ है ही नहीं, यानी ये सिर्फ कहानियों और फिल्मी दुनिया की ही कल्पना है, हकीकत से इसका कोई वास्ता नहीं है। तिहाड़ जेल के पूर्व DG अजय कश्यप के मुताबिक आखिरी इच्छा पूछने की परंपरा सिर्फ फिल्मों में ही दिखाई जाती है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि फांसी देना एक न्यायिक आदेश होता है जिसे हर हाल में तय वक्त पर ही पूरा करना होता है। अगर फांसी के वक्त कैदी ने अपनी अंतिम इच्छा के तौर पर फांसी ना देने की इच्छा जता दी, तो फिर क्या किया जाएगा? उनके मुताबिक फांसी देने से पहले SDM के सामने कैदी की वसीयत जरूर करवाई जाती है कि उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और तमाम चीज़ों का उत्तराधिकारी कौन होगा और उसका अंतिम संस्कार कैसे और कौन करेगा। वेल, फांसी देने के वक्त कैदी को 22 फुट के एक तख्ते पर ले जाया जाता है। इस दौरान उसे नीचे से लेकर ऊपर तक काले कपड़े पहनाए जाते हैं। फांसी देने से पहले उसके हाथ और पांव बांध दिए जाते हैं और चेहरे पर भी काला कपड़ा डाल दिया जाता है। इसके बाद रस्सी का फंदा गले में डाला जाता है, जिसके बाद तय वक्त पर जल्लाद फांसी के तख्ते का लीवर खींच देता है, जिसके बाद कैदी के पांव के नीचे का तख्त नीचे की तरफ खुल जाता है और कैदी का शरीर लटक जाता है। फांसी लगने के बाद आधे घंटे तक उसके शरीर को रस्सी पर लटका रहने दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर ये चेक करता है कि कैदी की मौत हो गई है या नहीं।
जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम किया जाता है। और फिर अगर जेल सुपरिटेंडेंट को ये लगे कि मरने वाले के शव और उसकी चीजों का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो वो शव उसके परिजनों को सौंप देते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।